नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस खास कार्यक्रम शुभ राशि में। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आचार्य दीपा शर्मा। बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को आज स्वयं पर भरोसा रखना जरूरी होगा। किसी भी प्रलोभन में लालच में ना आए, जोखिम पूर्ण प्रयासों से आज बचना है। सेहत से आज किसी भी तरह का समझौता ना करें। वृष राशि वालों को महत्वपूर्ण कार्यों को आज तेजी से पूरा करना पड़ेगा। उद्यमशील बने रहेंगे, संबंधों में आज सुधार होगा। मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज सतर्कता रहेगी, कामकाज में अनुशासन भी बनाए रखना है। सफलता प्रतिशत आज का अच्छा रहेगा, लेकिन खर्च पर कंट्रोल करना जरूरी होगा। कर्क राशि वालों के लिए कार्य व्यापार अच्छा रहेगा, परंपराओं में विश्वास बढ़ेगा। आज के दिन बुद्धि बल से सफल होंगे आज के दिन। सिंह राशि वालों के लिए निजी विषयों पर ध्यान रहेगा आज आपका। परिवार से भी आज काफी करीबी बढ़ेगी, आपकी सुख सौख्य में आज आपकी वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए जनहित का भाव रहेगा, यानी दूसरों के बारे में सोचेंगे आज। व्यापार व्यवसाय में सफल होंगे, महत्वपूर्ण बात अपनी आज रख पाएंगे दूसरों के सामने। तुला राशि वालों के लिए मांगलिक कार्यों में शामिल होंगे, धन धान्य में आज के दिन वृद्धि होगी, मन वांछित परिणाम आज आपके पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों और वरिष्ठों से आज भेंट होगी, यानी जिम्मेदार लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। दिन सफलता का है, रचनात्मक कार्यों में यानी क्रिएटिव कार्यों में आज आगे रहेंगे। धनुराशि वालों के लिए रिश्तों को निभाने में आज आगे रहेंगे, कामकाज में कुछ सतर्क रहने की जरूरत है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ पर फोकस रहेगा आज के दिन, भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा, चारों दिशाओं से आज आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए दिन अनुकूल बना रहेगा, पैतृक काम भी आज आपके पूरे हो जाएंगे, अधिकारियों का समर्थन भी आज आपके साथ रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि, आज लाभ में वृद्धि होगी, लंबी दूरी यात्रा संभव है आज के दिन, उच्च शिक्षा पर आज आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। ये था राशिफल 12 राशियों का। कल फिर मिलूंगी आपसे नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता की।